हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी को और आगे लेके चलते हैं। फोर क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की फिफ्थ क्लास है। और प्रीवियस ईयर क्लास में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 23 नंबर तक हम अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। आज आपकी ये फिफ्थ क्लास है और फिफ्थ क्लास में 24 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर लिस्ट में वीडियो को ऐड जरूर करिए आप। चलिए 24 नंबर देखिए, किस नज़रिए से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये 24 नंबर। पढ़िए लिखा क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहना क्या चाहता है। पहले देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल आपका बी है जो कि 90 डिग्री है। हाँ, एंड ए बी रेशियो बी सी इज इक्वल टू 1:2, द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस टेन सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप एक बनाइए। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे, करेक्ट, इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको गिवन है कि एंगल बी की जो वैल्यू है, एंगल बी की जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री है, गिवन है ना। इसके बाद एंगल ए बी और सी, ए बी का जो रेशियो है, यहाँ से देखिए, ए बी रेशियो दिया क्या गया है आपको, ए बी रेशियो बी सी कितनी वैल्यू दी गई है, 1:2, 1:2। इसका लिखने का मीन ये होता है कि ए बी की वैल्यू है आपकी 1 और बी सी की वैल्यू है आपकी 2, करेक्ट। चलिए, ए बी की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू है आपकी 2। यहाँ से देखिए, ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 1, करेक्ट। ए बी की वैल्यू आपकी 1 और बी सी की वैल्यू है आपकी 2। तो यहाँ से आप हाइपो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाइपो की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू आपको आप ऐड कर दीजिए तो आपका हाइपो की वैल्यू निकल आएगी। बहुत ही प्यार तरीके से फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको कॉस ए प्लस टेन सी, फाइंड करना है आपको कॉस ए प्लस प्लस टेन सी, करेक्ट। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉस ए एंगल ए के पास पहुंचिए, ठीक, एंगल ए आपका ये है और कॉस होता है कि आपका बी अपॉन एच, तो हो जाएगा 1/√5 प्लस। अब देखिए, टेन सी एंगल सी बी ए नहीं है, ए के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। पूछा क्या गया एंगल सी, तो एंगल सी के पास जाएंगे ना आप, तब इसके अकॉर्डिंग टेन होता है क्या है आपका पी अपॉन बी, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग पी आपका ये है बी आपका ये है, तो 1/2, 1/2। आगे जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2√5, 2√5 न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, जो कि आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर नंबर आपका डी, आंसर नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल देखिए, एंगल कौन सा पूछा गया, उस एंगल के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे तभी आपका आंसर सही निकलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी अपने आप में बहुत ही एडवांस बन जाता है, क्योंकि देखिए किसने पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, मेंस में दिया क्या गया है आपको, साइन ए इज इक्वल टू 5/13 एंड सेकेंड वैल्यू क्या दी गई है, 7 cot b। देखिए, एक एंगल आपका ए है और एक एंगल आपका बी है, मतलब दो अलग अलग एंगल दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको माइंड में एक बत्ती जलनी चाहिए क्या, कि दो एंगल दिए गए हैं तो ट्रायंगल भी आपके दो बनेंगे, वो भी अलग अलग। चलिए, सबसे पहले तो आप दो ट्रायंगल बनाइए। चलो, यहाँ पे आप देखेंगे दो एंगल दिए गए हैं, साइन ए इज इक्वल टू
एक एंगल की वैल्यू दी गई है आपको साइन ए इज इक्वल टू 5/13, 5/13। सेकेंड एंगल आपको क्या दिया गया है, सेकेंड एंगल आपको दिया गया 7 cot b इज इक्वल टू 24। तो आपको भी पता है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 को आप यहाँ पे लिखिए करेक्ट। इसके बाद ये एंगल आपका ए है, हाँ ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है, ये एंगल ए था और ये एंगल बी के लिए ये वाला ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल होंगे। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब बारी आती है इनको सॉल्व करने की। हाँ तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपका साइन होता क्या है, साइन होता है आपका P अपॉन H। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 और H हाइपो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। इस वाले ट्रायंगल पे आइए, कॉट होता क्या है, कॉट होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल, 10 होता है आपका P/B, तो ये हो जाएगा B/P। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है आपकी 24 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 7। तो देखिए यहाँ से आपको परपेंडिकुलर और हाइपो की वैल्यू पता है तो बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप पाइथागोरियन प्रमेय से जाएंगे तो आपका टाइम की बर्बादी है, इससे बढ़िया ये है ना कि ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है करेक्ट, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 12। इस वाले ट्रिपलेट को कैसे रिलेट करेंगे, 7, 24 और 25, हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25। हाँ ये बात समझ में आई। आगे देखिए कंडीशन आपको सॉल्व क्या करनी है, ये आपकी कंडीशन लिखी हुई है, एक बार फिर से नोट डाउन करिए, कंडीशन है आपकी sec a into cos b, सेकेंड ब्रैकेट में है आपका cosec b into 10 a। बहुत ही धैर्य बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए sec a, तो एंगल a के पास पहुंचिए, एंगल a आपका ये है और sec होता क्या है आपका cos का रेसिप्रोकल, cos होता है आपका b/h, तो हो जाएगा h/b 13/12 इंटू cos b। अब एंगल b के पास पहुंचिए, a के पास नहीं, एंगल b के पास पहुंचिए, ठीक है, और cos होता है आपका base/hypo 24/25, हाँ इंटू इस वाले में आइए cosec b, तो एंगल b के पास पहुंचिए, एंगल b के अकॉर्डिंग cosec क्या हो जाएगा आपका हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 25/7। साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन होता है आपका P/H, तो हो जाएगा H/P इंटू 10a, तो एंगल a के पास पहुंची, एंगल a के अकॉर्डिंग आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपो आपका ये हो जाएगा, 10 होता है आपका P/B 5/12 करेक्ट। अब इसको करते हैं सॉल्व, जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ आपका कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, देखिए 25 से आपका 25 गया, इसके बाद ये 12 से कितनी बार में गया, 2 टाइम में गया, और ये गया आपका 6 टाइम में, न्यूमरेटर में आपका बचा 13 इंटू 5 और डिनोमेटर में आपका बचा 7 इंटू 6। फाइनल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 65/42, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, आंसर नंबर बी, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, दो आपके अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, सबसे पहले देखना है अच्छे से किस कंडीशन से सेटिस्फाई होगा, तो दो आपको ट्रायंगल अलग अलग बनाने पड़ेंगे, इसके बाद दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालिए, इसके बाद जो कंडीशन दी गई है उस एंगल के आधार पर आप ट्रायंगल चुनेंगे, उसके आधार पर आप अपना आंसर देंगे, करेक्ट आंसर आपका मैच होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन सीजीएल के प्री में पूछा गया है, देखिए कैसे इसको करेंगे आप, दिया गया आपको साइन 23 डिग्री इक्वल टू a/b, दिया गया आपको
साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और साइन होता क्या है आपका, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका फिक्स होता है, वो भी कितने का, 90 का। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ के माध्यम से भी आपने देख लिया था, करेक्ट। इसके बाद अब देखिए साइन 23, इसके बाद एक एंगल की वैल्यू उसने गिवन करा दिया है, तो मैंने मान लिया ये वाला एंगल आपका हो गया 23 डिग्री। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 है, ये 23 है, तो बचे हुए एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बचे हुए एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 67 डिग्री, 67 डिग्री, करेक्ट। अब आपको कंडीशन क्या दी गई है वो आप सॉल्व करिए, सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री, ठीक है। कंडीशन आपको सॉल्व करनी है क्या है, कंडीशन है आपकी सेक 23 डिग्री माइनस है आपका साइन 67 डिग्री। चलिए एज अ सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि आपको अभी एंगल के माध्यम से कोई वर्टेक्स के नाम दे के एग्जामिनर पूछना चाहता था आंसर, पर अब यहाँ पे उसका नजरिया हो गया चेंज, अब वो कहता है नहीं हम एंगल की वैल्यू देंगे, अब एंगल की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर दीजिए, करेक्ट। चलिए तो फंडा सेम है दोनों में, देखिए एंगल 23 डिग्री, हाँ एंगल की वैल्यू आपको अभी क्या दी गई है 23 डिग्री, अब एंगल आपको गिवन है, तो 23 डिग्री के पास पहुंचेंगे आपका ये है, करेक्ट। इससे पहले इसकी बेस परपेंडिकुलर हाइपो की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी आपकी, करेक्ट। ये जो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी ए, हाइपो की वैल्यू है आपकी बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अंडर रूट हाइपो के स्क्वायर में से, अगर आप हाइपो के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे तो आपका बड़े ही आराम से बेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए अब आपको इस समय बेस परपेंडिकुलर हाइपो की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। सेक 23, तो 23 एंगल के पास पहुंचेंगे, और सेक होता क्या है आपका, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। इसके बाद देखिए एंगल 67 डिग्री के पास पहुंचना है, तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देंगे इसमें तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि एंगल आपको 63 के पास पहुंचना है, और साइन होता क्या, एंगल 67 के पास आप पहुंचेंगे, तो 67 के अकॉर्डिंग आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपो आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। तो एंगल 67 के अकॉर्डिंग साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू है आपकी क्या, पी की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वो भी रूट में है ना, अपॉन हाइपो है आपका बी। अब जब इसको आप एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका बी रूट में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस आधा और आधा, कितना हो जाएगा, आधा आधा एक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखिए अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपको यहाँ पे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी तो कराना है। चलिए आगे और एक स्टेप बची है आपकी, तो ये एज इट इज हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये आपका एज इट इज आ जाए डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा,
तो आपका बचा क्या फाइनल, फाइनल आपका बचा यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी, रूट में बचा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक भी स्टेप हमने आपकी स्किप नहीं की है, समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए स्क्वायर बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर नंबर आपका डी मैच कर रहा है, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, जल्दीबाजी में आप ए मत दे देना, क्योंकि देखिए ये तो आपको मैच कर रहा है पर यहाँ पे डिनोमेटर में बी भी नहीं है इनटू में, ठीक है। तो बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे, 100% राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सीजीएल का प्री का क्वेश्चन था, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पे। हाँ ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या दिया गया 27 नंबर पे, सेक 31 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। हाँ सेक 31 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। इसके बाद देन फाइंड करना है आपको साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री। देखिए बहुत ही आपको बड़ा लग रहा होगा पर ये बहुत ही दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। चलिए यहाँ से आप एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ से आंसर मुझे दिख रहा है कौन सा है, फिर भी बना देते हैं। देखिए सेक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 का होता है, बिल्कुल फिक्स है ना। चलिए वो एंगल कौन सा है आपका, ये। इसके बाद आपको गिवन करा गया एक एंगल की वैल्यू सेक 31, एंगल आपका ये मान लिया मैंने 31 है। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 है ये 31 है, तो बचे हुए एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 59 डिग्री, करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, सेक 31 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, और एक्स के अपॉन में अगर वन कर दें कोई दिक्कत नहीं। सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एच की वैल्यू कितनी है आपकी, बोलेंगे एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू वन। तो यहां से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हाइपो के वैल्यू के स्क्वायर में से बेस की वैल्यू की वैल्यू का स्क्वायर घटा दें, तो आपके बहुत ही आसानी से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए अब आप आज के समय में परपेंडिकुलर बेस और हाइपो की वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, कंडीशन। चलिए कंडीशन है आपकी, देखिए एक बार लिख लेते हैं, कंडीशन है आपकी साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस, प्लस क्या लिखा है 1 अपॉन सेक स्क्वायर 31 डिग्री, 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, हाँ 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री माइनस, माइनस क्या दिया गया 1 अपॉन साइन साइन स्क्वायर 59 डिग्री इंटू इंटू में दिया गया है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री। आप अगर अच्छे से इसको देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसको काट कर देंगे हम, देखिए कैसे साइन स्क्वायर 59 डिग्री, तो 59 एंगल के पास पहुंचेंगे, तो साइन होता है क्या आपका पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंगल 31 के पास पहुंचे, 31 के अकॉर्डिंग बेस आपका कॉस होता है क्या बेस अपॉन हाइपो, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये वैल्यू आपस में 1 बन गई है, देखो कैसे 1 अपॉन ये क्या है आपका साइन, साइन स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन, हाँ तो ये स्क्वायर में वैल्यू, तो स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से अपना ये कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या आपका 1, करेक्ट, यहाँ से बचा क्या 1। आगे और इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस अपन बचा कितना 1,
अब आगे इसको सॉल्व करिए आप, तो इसके नीचे अगर वन लिख लिया तो कोई दिक्कत है? चलिए, डिनोमेटर में आपका आ जाएगा, डिनोमेटर में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल जब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिनोमेटर की वैल्यू आपकी सेम रहेगी एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका टू माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा आपका मैच कर रहा है? टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट है, टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। SSC CGL का क्वेश्चन था, बड़े ही प्यार मोहब्बत में आपने उसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 डिग्री, हाँ डिग्री नहीं, ये तो क्वेश्चन की वैल्यू है ना, 28 नंबर, और ये अपने आप में बहुत ही दमदार क्वेश्चन बन जाता है भाई, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे इसके बारे में, हाँ नॉर्मली ये क्वेश्चन होगा नहीं, आप सोच भी नहीं पाएंगे जल्दी कैसे होगा बताइए। एक बार नोट डाउन करिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, फिर से एक बार नोट डाउन करिए, दिया गया आपको साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन थर्टीन, सेवन अपॉन थर्टीन। नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ऐसे, फाइंड आपको करना है क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करने का एक सिंगल तरीका है, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ, एक ही सिंगल तरीका है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, आज हम बता दें आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बेसिक से नहीं हो रहा है या आप कंसेप्ट से नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहां पे आप ट्रिपलेट का यूज करिए, लॉन्ग जाएगा पर 100% एक बार में सटीक आंसर निकल के आएगा, करेक्ट। ट्रिपलेट के माध्यम से कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, एक बार में आएगा वो भी करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उसकी बात अलग है, पर ट्रिपलेट के माध्यम से कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, आप अगर ट्रिपलेट लग रहा है तो फिर आप लगाइए और आंसर आपका एक बार में ही निकल के आएगा। देखो आप बोलेंगे, देखो साइन होता क्या है, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, करेक्ट, पी अपॉन एच साइन होता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच। तो यहां से देखिए डिनोमेटर में एच, तो h की वैल्यू आप यहाँ से देखिए तो कितनी है, h की वैल्यू आप बोलेंगे यहाँ से इज इक्वल टू 13 है। अब आप रिलेट करिए कि किस ट्रिपलेट में 13 आता है, तो आपको एक मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था, कौन सा, 5, हाँ 5 12 और 13 का पढ़ाया था ना, याद है ना, चलिए 5 12 और 13 का ट्रिपलेट पढ़ाया था, याद होगा, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें से हमने क्यों ये वाला ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि रिलेट कर पा रहे हैं कि 13 इसमें आ रहा है, तो हमने सोचा कि 5 12 का ट्रिपलेट लगाते हैं, सेटिस्फाई होगा तो ठीक है, वरना कोई दूसरा ट्रिपलेट देखेंगे। चलिए तो देखते हैं एच की वैल्यू क्या है इसमें, 13, एच की वैल्यू क्या है इसमें 13। इसके बाद पी माइनस बी, मतलब क्या बचा यहाँ पे, पी माइनस बी, हाँ तो p माइनस बी, तो देखिए यहां से आप बताओ p की वैल्यू किसको ले सकते हैं, b की वैल्यू किसको ले सकते हैं। देखिए p की वैल्यू में b की वैल्यू को कितना घटाएं, हाँ कि इज इक्वल टू 7 आ जाए, तो आप देखेंगे कि 12 में, 12 में अगर 5 घटाओगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि p इसको लें या p इसको लें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले में से हमेशा छोटा वाला घटाएंगे ना, तो p आपका हो जाएगा 12 और बी हो जाएगा आपका 5, करेक्ट। अब यहाँ पे आपकी पी बी और एच तीनों की वैल्यू निकल चुकी है, तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आप लेंगे 12 और बी की वैल्यू लेंगे आप 5, 12 में 5 गया इज इक्वल टू 7, सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट, कंडीशन फॉलो हो सकती है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व क्या करना है, कंडीशन सॉल्व करनी है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए एक सिंगल मेथड है इसको सॉल्व करने का, चलो, और बहुत ही बेहतरीन। साइन होता है क्या आपका, साइन होता है आपका पी अपॉन एच,
बी अपॉन एच प्लस कॉस क्या होता है आपका बी अपॉन एच। आगे और इसको सॉल्व करिए आप तो हो जाएगा डिनोमेटर में आ जाएगा आपका एच और ये हो जाएगा पी प्लस बी, पी प्लस बी वैल्यू रखिए आपका आंसर आ जाएगा एच की वैल्यू आपकी 13 करेक्ट, पी की वैल्यू है आपकी 12 प्लस बी की वैल्यू है आपकी 5 तो हो जाएगा आपका 17/13 जो कि आपका 100% करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जनरली दे दिया जाए किसी बच्चे से लगेगा नहीं है ठीक है। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर नंबर ए बी आपका नहीं, ये 13/17 नहीं 17/13 है करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप सोच नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में और आपका टाइम ले चला जाएगा ये। हाँ तो इस टाइप से इसको करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29 नंबर क्वेश्चन। हाँ और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग कंडीशन से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, कुछ आइडेंटिटीज के होंगे। हाँ अभी रेशियो के हमने पढ़ लिए ना, चलिए वैल्यू और रेशियो को आप मिक्स करके पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपका पढ़ेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का 30% केवल पार्ट खत्म हुआ है ठीक है, 30% 30 से 40% का पार्ट अभी खत्म हुआ है, अभी आपका 60% रह गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये इस सीट का सबसे टफ क्वेश्चन था। चलिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 3/6/3/2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, इस वाली सीट का सबसे बेहतरीन और सबसे टफ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप कैसे रिलेट करेंगे, हाँ इस क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए आपको पहले तो फार्मूला पता होने चाहिए करेक्ट, क्या फार्मूला पता होने चाहिए। तो कल मैंने कुछ फार्मूले आपको लिखाए थे, कौन कौन से फार्मूले थे, साइन ए प्लस बी, हाँ साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर से आज को आपको रिपीट करा दे रहे हैं हम। चलिए कल वाले फार्मूले और आज वाले भी फार्मूले कल हमने फार्मूला पढ़ा था साइन साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का भी आपने देखा था, फिर से आज आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। इसके बाद कॉस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी करेक्ट, इसको हमने बहुत ही ट्रिक के माध्यम से भी देखा था। साइन जो होता है बहुत ही बेचारा सीधा होता है, पहले कहता है आप एक बार आप साइन मैं आऊँगा साइन ए, फिर कहता है कॉस जी आप एक बार कॉस जी आ जाइए, तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कहता है कि पहले मैं आया था अब सेकेंड टाइम में आप पहले आ जाओ कॉस जी, तो कॉस ए हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी करेक्ट साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, बस माइनस प्लस था तो इसके माइनस का देख रहे हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एज इट इज सेम हो जाएगा कॉस ए साइन बी करेक्ट। अब इसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, कॉस जो होता है ये बहुत ही चालाक होता है, हाँ बहुत ही चालाक होता है, कहता है नहीं पहले तो मैं ही आऊँगा ठीक है, तो कहेगा पहले तो मैं ही आऊँगा दो बार कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये इतना चालाक होता है कि अपने सैम्बल को भी ये चेंज कर लेता है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस हो गया, फिर कहेगा आप कॉस आ पाओ मतलब साइन आ पाओ, तो पहले तो खुद आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी करेक्ट। एज अ सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस तो पहले ही आएगा क्योंकि ये बहुत ही चंचल है, कॉस ए इंटू कॉस बी, सैम्बल को भी चेंज कर लेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये प्लस, फिर कहेगा आप साइन आ जाओ साइन ए इंटू साइन बी। ये हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ लिए थे फार्मूले, फिर से आपको रिवाइज करा दिए, आज आपको दो और नए फार्मूले पढ़ने हैं, वो कौन से हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके फार्मूले हैं, टेन टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, करेक्ट। चलिए आज आपको दो फार्मूले और लर्न करने हैं। टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए प्लस में है तो पहले तो आएगा टेन ए प्लस टेन बी, फिर देखिए ये माइनस में है तो नीचे, प्लस में है तो नीचे, ये माइनस में हो जाता है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, करेक्ट। अब देखते हैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखिए माइनस है तो ऊपर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका टेन ए माइनस है तो माइनस टेन ए इंटू टेन, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, जैसे ये माइनस था तो नीचे इसमें क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो देखो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, करेक्ट। ये आपको दो फार्मूले और याद करके रखने हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने कितने फार्मूले देख लिए, चार और दो छः। तो इस वाले फार्मूले को आपको फिर से रिकॉल करना है, टेन ए प्लस बी का, इसका आप अभी यूज करने वाले हैं, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन में। और इस सीट का सबसे बेहतरीन और सबसे टफ एग्जाम्पल था ये 29 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया था। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे अपना 29 नंबर क्वेश्चन ये है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। दिया गया है आपको कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 24/25 एंड, देखिए यहाँ पे दो एंगल है ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिया गया साइन ए माइनस बी इक्वल 15/17। फाइंड करना है आपको टेन टू ए, टेन टू ए, तो ऐसा कोई फार्मूला अभी तक पढ़ा है नहीं, चलो बेसिक से करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, फाइनली ये और हेक्टिक बनता हुआ चला जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आपका टाइम भी बर्बाद चला जाए, पेन की इंक भी चली जाए और नोटबुक के पेजेस भी खराब हो जाएं, समय भी आपका जाए और बाद में हो भी ना पाए। तो चलिए इसको करते हैं स्मार्ट तरीके से सॉल्व। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है ना, दो ट्रायंगल बनाने हैं, एक ट्रायंगल आपका ये और एक ट्रायंगल ये, करेक्ट। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक एंगल दिया गया कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है, ये आपको दिया गया कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दी गई है 24/25, 24/25, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एंगल आपको दिया गया है साइन, तो आपको पता है दो एंगल बनने हैं, ये हो जाएगा कॉस साइन, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू आपको क्या दी गई 15/17, 15/17। तो यहाँ से ये बात आती है समझ में कि ये एंगल कौन सा है आपका, ए प्लस बी के लिए है, करेक्ट। और ये वाला एंगल किसके लिए है, ये वाला एंगल है आपका ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए। अब यहाँ से आप इनके क्लू वर्ड लिखिए, तो कॉस होता है क्या है आपका, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। इतनी बात समझ में आई, जितनी वैल्यू गिवन है आप लिखिए, पी की वैल्यू कितनी आप बोलेंगे 15, एच की वैल्यू इसमें है आपकी 17। इस वाले ट्रेंगल में आइए तो बी की वैल्यू है आपकी 24, करेक्ट, एच की वैल्यू है आपकी 25। तो देखिए बाकी बचे हुए इसमें साइड कैसे निकालेंगे, एक होता है ट्रिपलेट 7, 24 और 25, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, कितनी आ जाएगी 7, करेक्ट। और इस वाले ट्रेंगल में 8, 15 और 17, 8, 15, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8।
इसके बाद देखिए ये काम आपने अभी कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको देखो फाइंड क्या करना है, टेन टू ए, टेन टू ए फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी एरिया ज़्यादा चाहिए। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको टेन टू ए। देखिए ऐसे अगर आप रिलेट कराएंगे इसको तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल की वैल्यू देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी में है, और फाइंड करना है आपको टेन टू ए। तो अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कौन सा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो साइड में लिख लो, फॉर्मूला होता क्या है, टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी क्या लिखा आपने, लिखा था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, करेक्ट। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना टेन ए प्लस बी का, ओके। अब इसी फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे टेन टू ए, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए सोचिए सोचिए, देखिए आपको सोचने पे मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि है ही टफ, और जब टफ है तो इसको इजी बनाते हैं ना। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टेन टेन रिलेट करेंगे कौन से एंगल पे, ए, ये देखिए ऐसे एंगल पे रिलेट करना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है ना। तो चलिए टेन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे करने का को मतलब आपका सेम ही निकलेगा, ए और ए प्लस का है ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा टू ए, और बी प्लस का बी माइनस आपस में कट जाएंगे, तो फाइनली बन क्या जाएगा टेन टू ए ही तो बन जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और हमने ये इसलिए किया क्योंकि आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में एंगल को लाना है। तो देखिए आगे यहाँ पे आप सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेन टेन, इसको आप एक ब्रेकेट में ले लो, टेन ए प्लस बी, करेक्ट। उसके बाद प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी अब उस फॉर्म में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब आपने फॉर्मूला क्या बन गया, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी, है ना, जो कि आपका ये लिखा है। तो इसको एक्सपेंड करिए इस फॉर्मूले को, जब आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, टेन ए, ए क्या है आपका, ये ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरी ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन अपॉन क्या होता है, वन माइनस टेन ए, ए क्या है आपका ए प्लस बी, टेन ए इंटू टेन बी, बी क्या है आपका ए माइनस बी। बड़े ही प्यार मोहब्बत से आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, और जब कन्वर्ट कर लिया तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए ना। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे, चलिए इसको करते हैं आगे और सॉल्व, इसी के आगे यहाँ पे सॉल्व कर लें। चलिए टेन ए प्लस बी, हाँ चलिए टेन ए प्लस बी है ना, टेन ए प्लस बी आपका ये है, और टेन ए माइनस बी ये है, एंगल ए प्लस बी के पास आप पहुंचेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, इनकी वैल्यू ए माइनस बी की में जब पहुंचेंगे तो आपको ये इस वाले ट्रायंगल में यूज करना है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए आपको क्या है, टेन ए प्लस बी तो इस वाले एंगल के पास में आएंगे, और टेन होता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हो जाएगा सेवन अपॉन चौबीस, करेक्ट प्लस, है ना, सेवन अपॉन चौबीस, करेक्ट प्लस। इसके बाद आपका टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, ठीक है। ये तो फिर इसी फार्मूले को वहीं पे लिख लेते हैं, बार बार स्लाइड चेंज करने में आपको भी दिक्कत होगी। चलिए अब यहाँ पे वो फार्मूला क्या बना है आपका, तो फार्मूला आपका बन गया है, जनरल सी बात है, टेन ए प्लस बी प्लस
टेन ए माइनस बी अपॉन अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, करेक्ट। यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू, बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही थी, हो सकता कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए यहीं पे इसको लिख लिया। टेन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के पास पहुँचेंगे और टेन होता है क्या आपका पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, करेक्ट। प्लस प्लस एंगल टेन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाले के एंगल के पास पहुँचेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, पंद्रह अपॉन आठ अपॉन, अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करिए तो क्या आया आपका वन, वन माइनस टेन ए प्लस बी, ए प्लस बी ये है पी अपॉन बी, सेवन अपॉन चौबीस इंटू इंटू इसके बाद टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी ये वाला एंगल है तो पंद्रह अपॉन आठ, पंद्रह अपॉन आठ। अब आगे इसको सॉल्व करिए आप, देखिए आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक काम इसमें आप कर सकते हैं, देखो अगर इस वाले इस ऊपर वाले पार्ट में अगर ऊपर तीन का और नीचे तीन का मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इजी बना के सॉल्व करने का अपना अपना मेथड होता है। क्यों हमने किया, क्योंकि देखिए 24 हो गया ये और ये भी 24 हो गया, तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो हमको कैलकुलेशन में और ईजी हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आप देखिए, तो देखिए ये आपका कट होगा बिल्कुल, तीन से आपका कितनी बार में जाएगा, तीन से पांच बार में जाएगा और ये आठ बार में, ठीक है करेक्ट। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करिए आप, जब आगे इसको और सॉल्व करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 24, 24 अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा 7 प्लस, 7 प्लस हो जाएगा आपका 45 अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 64, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 64, ठीक है। और देखो 64 माइनस, हाँ देखो 64 और माइनस क्या हो जाएगा 7 × 35, 7 × 35 इतना आपको स्पीड में करना आना चाहिए भाई, ठीक है चलो। अब जब इसको फाइनल आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आपस में जब आप ऐड करेंगे 45 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 52, 52/24, 52/24 करेक्ट अपॉन, इसमें से जब इसको आप लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका 29/64, 29/64। तो देखिए यहाँ से आपको बड़े ही प्यार तरीके से हमको कटता हुआ दिख रहा है और आंसर नंबर आपका कौन सा मैच करेगा, सी, आंसर नंबर सी। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आप, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है यहीं पे कर लेना, तो ये वाला पार्ट आपका उठ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है हाँ, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे तो 29 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं कट, जब इसको आप कट करेंगे तो 8 से देखो कितनी बार में जाएगा आपका ये 3 बार में, और ये 8 से कितनी बार में जाएगा आपका 8 बार में, करेक्ट चलो हाँ। तो देखो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 416/87 ही आएगा आंसर, और ये इस सीट का सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सबसे टफ क्वेश्चन था, इजीली आपको अगर दे दिया जाए तो ये बना ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ही दमदार क्वेश्चन था हाँ, और इस सीट का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तोते उड़ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल इसका मेथड क्या आपने बताया, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, किसमें, एसएससी सीजीएल में, जो कि आपने बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है चलो। तो फाइनल आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, तो आंसर आया आपका 416/87, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी आपके ट्रिग्नोमेट्री के केवल 30% मतलब 30% पहुंच पाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में,
अभी आपको 30 से 40%, अभी आपको 60% और पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं खत्म होती आपकी। हाँ, ये आपके रेशियोज पे कुछ क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व किए। अब आपका वैल्यू और रेशियो दोनों के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, कंपाइल किए हुए। फिर इसके बाद आपको आइडेंटिटीज पे मिलेंगे कुछ, फिर उसके बाद जब आपको कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का केवल और केवल 40% पार्ट ग्रैंड किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा ये, ठीक है, अन्यथा आप भूल जाएंगे। तो चलिए, बैकअप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करते रहिए। बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।